जय श्री राधे। समत्व बुद्धि या कर्म कौशल। प्रिय साधकों, याद रखो, तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो और न शूद्र। तुम न भारतीय हो, न यूरोपीय हो, न किसी अन्य देशीय हो। तुम न हिंदू हो, न अन्य धर्मीय या मतावलंबी हो। तुम हो एक भगवान के सनातन अंश। तुम हो एक ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप। जैसे तुम हो वैसे ही अखिल विश्व ब्रह्मांड के केवल मनुष्य ही नहीं, प्राण मात्र भगवान के सनातन अंश हैं या एक ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप हैं। तुम जो इस देह रूप में प्रकट हो, यह माया है अथवा भगवान की लीला है। इस देह को और इसके समस्त व्यवहारों को भगवान की लीला मानते हुए सर्वत्र समभाव से भगवान की लीला देखते और उनके इच्छा अनुसार उनकी लीला में एक अभिनेता बने हुए ही अपने स्वांग के अनुसार व्यवहार के द्वारा उन भगवान की पूजा करो। तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार सर्वत्र समान भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही हो। व्यवहार में विभिन्नता हो पर समत्व बुद्धि में विभिन्नता न हो, यही कर्म कुशलता है। याद रखो, कभी कहीं भी राग द्वेष मत करो। जैसे खेल में अपने पराये का भेद तथा तदनुरूप व्यवहार खेल के समय खेल भर के लिए खेल के रूप में ही रहता है और रहता है खेल की सफलता के लिए ही। उसमें कहीं भी वास्तव में न तो निज पर बुद्धि होती है और न कहीं कभी राग द्वेष ही रहता है। इसी प्रकार राग द्वेष रहित होकर यथायोग्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करो। याद रखो, कहीं किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में राग करके, कहीं किसी में ममता करके दूसरे से द्वेष करोगे तो द्वेष से जलते तो रहोगे ही, द्वेषवश क्रोध हिंसा आदि पाप तो होंगे ही, और मरते समय यदि किसी द्वेष प्राणी पदार्थ का स्मरण रहा तो उसी में जन्म लेकर वैसे ही बनोगे, और जिसमें अभी राग ममता करके दूसरे से द्वेष करते थे उसी में राग द्वेष करने लगोगे। जैसे मान लो तुम किसी अमुक देश के रहने वाले हो और दूसरे देश से द्वेष करते हो, अब मरते समय उस देश का स्मरण रहेगा तो तुम उसी देश में जन्म लोगे, और इस समय जैसे इस देश में राग और उस देश में द्वेष करते हो वैसे ही तब उस देश में राग और इस देश में द्वेष करने लगोगी। अतएव कहीं भी न राग करो न द्वेष, सर्वथा सर्वदा संभाव रखते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करो, उनकी सेवा करो। याद रखो, यहाँ जो कुछ है सब व्यवहार के लिए है, यह व्यावहारिक जगत है। ये सारे भेद व्यावहारिक जगत के ही हैं जो आवश्यक हैं, पर परमार्थतः इनकी वैसी स्वरूप स्थित नहीं है जैसी दिख रही है। परमार्थ रूप में, यथार्थ रूप में तो एक भगवान ही सर्वत्र लीलायमान हैं। निरंतर उनकी लीला देखते रहो, विभिन्न रसों में उन्हीं एक महान रस का आस्वादन करते रहो और अपने द्वारा होने वाले प्रत्येक कार्य को उसी लीला का अंग बनाकर लीलामय को संतुष्ट करते रहो। याद रखो, लीला और लीलामय पृथक पृथक दिखने पर भी स्वरूपतः हैं एक ही। वे एक रहते हुए भी लीला से अनंत रूपों में प्रकट होकर अनंत विचित्र लीला करते हैं। याद रखो, जब तक तुम इस प्रकार लीला और लीलामय को नहीं देख पाओगे तब तक तुम्हारा न बंधन कटेगा, न कलुष नाश होगा और न भय विषाद मिटेंगे, तथा तुम्हें न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। अतएव सर्वत्र सर्वदा समभाव से भगवान को और उनकी लीला को देखो। अब प्रेम पूर्ण हृदय से श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए भावपूर्ण वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।